नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज के टॉपिक्स को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिसऑनेस्टली, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, डिसऑनेस्टली जिसे बेईमानी करना, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। इस सेक्शन को, इस टर्म को एनालाइज करेंगे क्या होता है विद एग्जाम्पल। तो वीडियो को, टॉपिक को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मित्रों, साथ में ये भी कहना है कि अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिसमें लीगल इश्यूज़ के बारे में, पर्टिकुलरली ड्राफ्टिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ, बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं हमारे चैनल पे। तो आप इसे ज़रूर देखें, एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो मित्रों, शुरू करते हैं डिसऑनेस्टली जिसे आम तौर पे, जो आम धारणा है, जिसे बेईमानी करना, डिसऑनेस्टली का हिंदी बेईमानी करना होता है। तो डिसऑनेस्टली को आम तौर पे एक आम इंसान कुछ इस तरह से समझता है कि जो कुछ भी ईमानदारी से कुछ हट गया है, भटक गया है ईमानदारी से, वो बेईमानी है। लेकिन भारतीय दंड संहिता में जो परिभाषा दी गई है डिसऑनेस्टली की, वह इस आम धारणा से अलग है और कुछ टेक्निकल है। टेक्निकल इस टर्म में है कि डिसऑनेस्टली अगर कोई एक्ट होता है तो वहां पे इंटेंशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस मकसद से एक व्यक्ति ने कोई काम को किया है, अगर डिसऑनेस्टली या बेईमानी करना को साबित करना है तो व्यक्ति के मकसद को साबित करना बहुत जरूरी होता है कि किस मकसद से आदमी ने एक काम को किया है। तो सबसे पहले इसको हम एनालाइज करने के पहले आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में क्या लिखा हुआ है, डिसऑनेस्टली को किस तरह से उसमें परिभाषित किया गया, और फिर हम जानेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो मित्रों, इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, Dishonestly, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to the person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. बड़ा ही साफ लिखा गया है। जब कहीं भी dishonestly का को बताया जाता है कि यह एक dishonestly किया गया है, तो वहां पे यह साबित करना बड़ा ही जरूरी होगा कि this act, मतलब उसने जो कार्य किया उससे किसी का रॉन्गफुल गेन हो रहा है या किसी का रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। बड़ा ही आसान है, पर सरल है इसको समझना कि अगर किसी व्यक्ति के किसी हरकत से किसी को गलत लाभ या किसी को गलत नुकसान हो रहा है तो यह एक डिसऑनेस्टली बेईमानी करना, इसे हम कह सकते हैं। तो इंडियन पेनल कोड में जब कभी भी इस शब्द का, इस टर्म का इस्तेमाल होता है, यह संपत्ति के संदर्भ में ही होता है कि मतलब किसी की संपत्ति को डिसऑनेस्टली किसी ने नुकसान पहुंचा दिया या किसी ने गलत फायदा या गलत नुकसान पहुंचा दिया। एक उदाहरण को हम लेते हैं। जैसे एक मिस्टर ए हैं, वह मिस्टर बी के कमरे में गए, मिस्टर बी के कमरे में मिस्टर बी का की अंगूठी रखी हुई थी, उस अंगूठी को उन्होंने बगैर उनको बताए, बगैर उनकी अनुमति के ले लिया और खुद पहनना शुरू कर दिया, तो यह एक जो ये जो हरकत थी, ये बेईमानी करना इसे कहते हैं कि बगैर व्यक्ति को बताए हुए उसकी संपत्ति को हासिल करना एक मकसद है कि इसे उसके संपत्ति से उसे नुकसान पहुंचाना, उसे गलत नुकसान पहुंचाना, और मिस्टर ए जो है उन्होंने अपना खुद का गलत फायदा उठा लिया। तो डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी करना का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसे संपत्ति के संदर्भ में ही करते हैं और किसी गलत फायदे या किसी के गलत नुकसान के संदर्भ में करते हैं, तभी इसे हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं। तो डिसऑनेस्टली का प्रयोग बहुत होता है, खासकर जब धारा 420 का जहाँ कहीं भी उल्लेख होता है वहाँ पर डिसऑनेस्टली। तो ये बड़ा ही जरूरी था आपको समझना, ये हमारे भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में इसका उल्लेख किया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।